ये तो यार आजकल मतलब कोई भी चीज़ नामुमकिन कुछ भी नहीं है यार इस दुनिया में, मुमकिन सब है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आप नए लोग भी जो आएंगे ना वो भी यहाँ से लाइसेंस निकाल कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ भी बोल सकता हूँ। दोस्तों मैं जब अपने रूम पे कुछ बोलता हूँ ना तो मतलब एक कान मेरा उधर ही लगा रहता है, जो मेरा जो रूम है ना और मेरे रूम के जस्ट बगल में किचन है दोस्तों। और जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो मुझे कॉल नहीं करती, सीधा धड़ाम से खोल देते हैं खिड़की। तो मुझे जब मैं रूम पर वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरा सबसे ज़्यादा जो जहन है ना तो खिड़की की तरफ रहता है। दोस्तों मेरे हाथ में आप कुछ देख रहे होंगे, ये क्या है? ये दोस्तों लाइसेंस है मेरा, ये जो है कुवैत का लाइसेंस है। तो आज हम मतलब इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, अगर किसी के पास गल्फ लाइसेंस है, अगर वो यहाँ पर आता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है लाइसेंस निकालना। दोस्तों इसको निकालने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर जिसके पास गल्फ लाइसेंस है। क्योंकि होता क्या है, जो गल्फ लाइसेंस यहाँ पे जब लेकर के आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब आप जो RTO ऑफिस में जब जाएंगे ना तो गल्फ वाला लाइसेंस, जैसे मान के चलिए मेरा सऊदी का लाइसेंस था, तो मेरा सऊदी का लाइसेंस उन्होंने मतलब ले लिया था और तुरंत जो है मुझे इसे अप्लाई कर दिया था, मुझे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं था। हाँ मतलब मेरे से एक टेस्ट लिया गया था जो कि आँख का, आँख में उन्होंने ऐसा लगा कर मुझे ABCDXYZ पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था। मेरा जो है बहुत जल्दी लाइसेंस बन गया था, मुझे ना ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी थी ना तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। ये तो गल्फ लाइसेंस जिसके पास है उसके लिए ये गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि उनको यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर रिन्यूअल आप समझ लो कि रिन्यूअल करवा रहे हो, बस यही चीज़ होता है। और रह गई नए लोगों की बात, अगर हम करें दोस्तों, जो नए लोग यहाँ पे आते हैं तो मान के चलिए उनके पास इंडिया का लाइसेंस होता है, जो इंडिया का लाइसेंस हालांकि यहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब बस ये, हाँ ऐसा नहीं वैल्यू नहीं तो आप लाओ मत साथ में, लाना ज़रूरी है क्योंकि आप एक वो सबूत है ना कि आप गाड़ी चलाए हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर क्या सबूत है कि आप ड्राइवर हैं? फिर वैसे भी तो यहाँ पे वैसे भी जानते हो यार, वो लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते, यहाँ के लोग, यहाँ के कोई तो लोग मतलब इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि तेरे को मालूम है, इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि आपको मालूम है गाड़ी चलाना कि नहीं चलाना, ड्राइवर है बस, ज़्यादा बात नहीं करते वो लोग। तो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपको फिर यहाँ पर नया प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, वही जो है ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो सिंबल उम्बल का जो भी है उसको याद करना पड़ेगा। हाँ ये राइट का सिंबल है, ये लेफ्ट का सिंबल है, ये स्टॉप का सिंबल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आपके पास सिर्फ इंडिया का लाइसेंस है और यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो नए के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ आप कोशिश करेंगे तो यार आजकल मतलब कोई भी चीज़ नामुमकिन कुछ भी नहीं है यार इस दुनिया में, मुमकिन सब है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आप नए लोग भी जो आएंगे ना वो भी यहाँ से लाइसेंस निकाल कर लेके जाएंगे। तो ये तो दोस्तों बस यही, तो ये क्लियर हो गया कि मतलब अगर आपके पास गल्फ लाइसेंस है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम सेम जो है रिन्यूअल करवा रहे हैं। और जिसके पास सिर्फ इंडिया का लाइसेंस है और वो अगर यहाँ पे लाइसेंस निकालने के जा रहे हैं तो एकदम न्यू प्रोसेस है, सारा कुछ नया प्रोसेस रहेगा। तो बस यही फ़र्क है दोस्तों, यहाँ कुवैत में जो है न्यू ड्राइवर ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं ना दोस्तों, इसकी वजह यही है क्योंकि ये इतना ज़्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। और इनके लिए 90, 100, 120, 130 माने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं मुझे 20-30 दिनार ज़्यादा देना पड़ेगा, वो मुश्किल नहीं है। बस हाँ आदमी में जो ऐसा है जो मैडम से ज़्यादा पूछे ना कि किधर है यमी निसार सीधा, ये सब पूछे ना, इसके लिए वो ज़्यादातर मतलब यहाँ पे मैं देखा हूँ पुराने ही ड्राइवर मंगाते हैं, ज़्यादातर पुराने ड्राइवर की मांग होती है। इसीलिए जो इसकी वजह यही है क्योंकि ये लोग मतलब बिंदास हैं भाई, माइंड फ्री रहते हैं, मतलब एकदम नो टेंशन नो प्रॉब्लम वाले इंसान हैं, कोई बातचीत नहीं, अपने काम में मस्त रहते हैं। जो यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनको भी अच्छा सैलरी मिलता है, और जो छोटे मोटे जो भी अच्छा पैसा, मतलब पैसा अच्छा है यार, आप वैसे समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी क्रांति है तो फिर मजबूत देश है ना,
इधर मजबूत पैसा है, हर कोई इंसान पैसे वाला है, तो फिर इतना टेंशन लेके ये लोग काम नहीं करते हैं। और इसीलिए जो है रिटर्न ड्राइवर की यहाँ पे ज़्यादा मांग रहते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यार इतना ही, आप लोग तो समझ ही गए होंगे फिर, मतलब जो मोटिव मेरा जो वीडियो का टाइटल था यही था कि आप लाइसेंस के बारे में तो हमने बता दिया है कि पुराने जो जिनके पास में गल्फ लाइसेंस है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिसके पास में लाइसेंस नहीं है और नए आते हैं उनके लिए सेम टू सेम नया प्रोसेस है, सारा कुछ नया होने वाला है दोस्तों। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और कोई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना